শুক্রবার তিপ্রামথার উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিপ্রামথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা জানিয়েছেন, তিপ্রামথা আইএনপিটি আইপিএফটি তিপ্রাহা এবং এনসিটি এক দলে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনাকে মার্জার বলে অভিহিত করেন তিনি। সেই সাথে মহারাজা আরও জানিয়েছেন, আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে তারা চান গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এবং এনআরসি। AIMTC ने हमें 100% सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लेंगे। तो आप देखेंगे कि आज के दिन, आज से 2-3 महीने पहले सब लोग बोलते थे इतना पार्टी है, रीजनल पार्टी है, आज सिर्फ 1 या 2 रीजनल पार्टी रहा है ग्राउंड में। और ये हमारा जो मर्जर है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है। এদিন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা আরও জানিয়েছেন, আজ টিউজেএস এর প্রতিষ্ঠা দিবস মহত্বপূর্ণ। দিনটিতে দলের সিদ্ধান্তক্রমে বর্ষীয়ান নেতা বিজয় কুমার রাংখলকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিপ্রামথার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। আইএনপিটি আজ সে তিপ্রামথা হয়ে রয়েছে আর আজ টিউজেএস কা ফাউন্ডেশন ডে, ইটস এ হিস্টোরিক ডে আর হামনে টিউজেএস কা মান সম্মান রাখকর উনি কে রেজিস্ট্রেশন মে হাম আ রহে হ্যায়, क्योंकि TUGS was the first proper recognized party और विजय रांखोल जी जो बहुत बड़े हमारे, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मुझे लगा कि अगर आज के दिन हम लोग सैक्रिफाइस नहीं करेंगे और एक सीनियर आदमी को उस पोजीशन में नहीं रखेंगे, अगर हमको ही सब रखना है तो ये गलत मैसेज जाएगा। इसी के लिए मैंने CM के समय भी मैंने पूर्ण जमाते को एक अपॉर्चुनिटी दिया है काम करने के लिए पब्लिकली, सब लोग मिलकर हमने डिसीजन लिया था। এদিকে 24 তারিখ এডিসির প্রথম কাউন্সিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এডিসির আয় ব্যয় নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। সেই সাথে আরও জানান, 24 তারিখ কো হামারা ফার্স্ট কাউন্সিল সেশন হোগা, উস টাইম হাম লোগ হোয়াইট পেপার প্রেজেন্ট করেঙ্গে কি কিতনা রুপিয়া হামারে পাস আয়া হ্যায়, कितना रुपया कौन से डिपार्टमेंट से आता है, ONGC से कितना आता है, एक्साइज से कितना आता है, फॉरेस्ट से कितना आता है, कितना रुपया हम खर्च करते हैं फॉर सैलरीज, कितना रुपया जाता है एजुकेशन में, कितना रुपया जाता है सोशल वेलफेयर में, फिशरीज में, ये पूरा हम लोग काउंसिल सेशन में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, आप अपने न्यूज़पेपर में, अपने मीडिया हाउस में बड़ा बड़ा करके देखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन 80-85% जो पैसा आता है वो सैलरी में चला जाता है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने बिल्डिंग्स बनाया है लेकिन बिल्डिंग्स को मेंटेन नहीं किया। ADC ने डिपार्टमेंट्स बनाया है लेकिन डिपार्टमेंट से पैसा नहीं है और हम कहते हैं कि हमने इतना दिया है। आज ADC में हमने सिर्फ 5 या 6 हज़ार लोगों को नौकरी दिया है और थोड़ा अमीर बनाया है और 9 लाख लोग जो उसके बाहर है उनको हमने कोई सुविधा नहीं दी है। सो 24 तारीख को सेशन में, जब सेशन शुरू होगा, आवर चेयरमैन इज हियर, वी विल प्रेजेंट दिस व्हाइट पेपर। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে তিপ্রামথার চেয়ারম্যান আরও জানিয়েছেন, এডিসির হাতে সরাসরি অর্থদানের ক্ষমতা নেই রাজ্য সরকারের। জনজাতি মোর্চা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খেলাপ করা নিয়েও বিজেপি দলকে এক হাত নেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। জনজাতিদের স্বার্থে ডিরেক্ট ফান্ড বরাদ্দর ইস্যুতে সব উপজাতি সংগঠন এগিয়ে আসার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন তিনি। लेकिन आप देखेंगे कि कार्बी आंगलोंग में अभी 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद एक अकॉर्ड साइन हो रहा है, वहां में डायरेक्ट फंडिंग आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट पिक एंड चूज करती है, इसी सरकार जो पावर में आने से पहले स्टेट काउंसिल डिमांड किया था जनजाति मोर्चा ने, बीजेपी ने आर्टिकल 244 डिमांड किया था, आज तो पावर में है बीजेपी, जनजाति मोर्चा ने स्टेट काउंसिल का डिमांड किया था, चिट्ठी है, आज क्यों चुप है? मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूं, पॉलिटिक्स मत करो, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूं। उस डेलीगेशन में
आप जनजाति मोर्चा को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे आईपीएफटी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको ले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप गणमुक्ति परिषद को ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस डेलीगेशन में मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति बन के भी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे लीड करने का कोई दरकार नहीं। लेकिन दिल्ली में जाकर हम लोग जो जनजाति लोग हैं एक आवाज़ में अमित शाह प्राइम मिनिस्टर को तो बोल सकते हैं कि ये हमको दो। এদিকে বর্তমানে দুটি কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ত্রিপুরা মথা দলকে। প্রথমটি হচ্ছে শান্তি ফিরিয়ে স্তব্ধ পাহাড়ের উন্নয়ন ব্যবস্থা সচল করা এবং এডিসি এলাকার কাজ ও খাদ্যের সংকট দূর করা। ব্যুরো রিপোর্ট, হল্লাপুর।